यूपी के ग्रेटर नोएडा में वहशीपन के इंतहा जेवर थाना इलाके में कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटा गया। पुलिस को फोन करने पर दो लोगों की हत्या की। कार में सवार महिलाओं ने रेप की कोशिश का लगाया आरोप। अस्पताल में भर्ती बहन को देखने बुलंदशहर जा रहा था परिवार। पांच बदमाशों ने सड़क पर कुछ फेंक कर कार रोक। सहारनपुर हिंसा के बाद हरकत में योगी सरकार। डीएम एसएसपी सस्पेंड, डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर का ट्रांसफर। सहारनपुर में हिंसा पर काबू पाने के लिए इंटरनेट एसएमएस व्हाट्सएप पर रोक। शासन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ करेगा सख्त कार्रवाई। जातीय हिंसा को लेकर सहारनपुर में तनाव। पूरे शहर में धारा 144 लागू। सूबे के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषणों पर ध्यान न देने की अपील। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश। सहारनपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी से बीएसपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। विपक्ष की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची ममता बैनर्जी। करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। राज्य को ज्यादा फंड देने के मामले में बैठक। आदिवासी नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक। देशव्यापी आदिवासी आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में कांग्रेस। मोदी सरकार के तीन साल के जश्न से एनडीए के दूसरे घटक बाहर। जश्न की लिस्ट से मुख्यमंत्री महबूबा और चंद्रबाबू नायडू का नाम नदारद। तेलंगाना को केंद्र से 20,000 करोड़ की मदद की अमित शाह के दावे पर भड़के सीएम चंद्रशेखर राव। कहा 200 रुपए भी देने के सबूत साझा करें। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश से आयकर विभाग करेगा पूछताछ। जून के पहले हफ्ते में पेश होने का समय। जून की पहली तारीख से केजरीवाल समेत दिल्ली के तमाम मंत्री करेंगे आम लोगों से मुलाकात। विधायकों को भी लोगों की शिकायत सुनने का फरमान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के रिश्तेदार की शादी में लगा खाकी और खादी का मजमा। नासिक में डॉन की भतीजी की शादी में महाराष्ट्र के मंत्री विधायक के साथ साथ पुलिस वालों ने भी लगाई हाजिरी। आतंकवादी हमले में घायल पीडीपी कार्यकर्ता की हालत गंभीर। श्रीनगर में अब्दुल कयूम को आतंकवादियों ने घर के बाहर मारी करीब से 3 गोलियां। शोपियां में सीआरपीएफ और एसओजी कैंप पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। हमले में 3 नागरिक घायल। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ के लिए केंद्र ने बढ़ाया हाथ। आज तक के खुलासे के बाद बिटा कराटे की फाइल दोबारा खोलने का आदेश। कश्मीर में हुर्रियत को पाकिस्तान की फंडिंग के खुलासे के बाद एनआईए ने 13 आरोपियों पर कसा शिकंजा। हुर्रियत नेताओं को भेजा समन। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद फुल स्पीड में एनआईए की जांच। अगले हफ्ते सैयद अली शाह गिलानी से हो सकती है पूछताछ। पत्थरबाज को जीप से बांधने वाले मेजर लिटिल गोगोई को सेना ने दिया क्लीन चिट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं मिले गलती के कोई सबूत। कश्मीर में ही रहेंगे तैनात। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई अफवाह। एलओसी पर यूएन के दल पर फायरिंग का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अलर्ट। हथियारों से लैस 3 संदिग्ध शख्स दिखे। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पीओके में पाकिस्तान के पाप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सियासी नेता बाबा जान को जेल में बंद करने के विरोध में मुजफ्फराबाद, कोल्टी और दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश के आसमान से गायब हुए सुखोई 30 विमान का अब तक नहीं चला पता। खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में आई दिक्कत। राजस्थान एटीएस ने किया फर्जी सेना भर्ती रैकेट का खुलासा। 4 लोग गिरफ्तार। 1,79,00,000 रुपए जब्त। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर लगाई रोक। सीबीएसई को रिजल्ट का ऐलान नहीं करने का निर्देश। याचिकाकर्ता का दावा परीक्षा में अलग अलग भाषाओं के प्रश्न पत्र में था अंतर। सवालों की कठिनाई का स्तर भी था अलग। ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.25 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार। 26 मई को पीएम करेंगे उद्घाटन। पुल के बनने से 165 किलोमीटर अरुणाचल की दूरी हुई कम। मनमोहन सरकार ने 2011 में रखी थी परियोजना की नींव। राष्ट्रीय महिला आयोग में बीजेपी नेता परेश रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज। परेश रावल ने अरुंधति रॉय के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। परियोजना के लिए 5,503 करोड़ का बजट तय। कैबिनेट ने असम के कामरूप जिले में एम्स की स्थापना को मंजूरी। 1,123 करोड़ रुपए आवंटित। रक्षा उपकरणों के ज्यादा से ज्यादा साजो सामान का निर्माण अब देश में होगा। प्राइवेट सेक्टर की रणनीतिक साझेदारी भी होगी शुरू।
गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अब 255 रुपये प्रति क्विंटल की रकम तय। आयकर विभाग ने 400 बेनामी संपत्तियों का लगाया पता। 240 मामलों में 600 करोड़ की संपत्तियां अटैच। केजरीवाल सरकार ने 31 मई को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जीएसटी बिल पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिमागी बुखार को जड़ से मिटाने के लिए आज से शुरू करेंगे टीकाकरण अभियान। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। 8 मरीजों की गई जान। मृतक आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज। परिवार से पूछताछ के बाद कर्नाटक जा सकती है टीम। पुणे के पास एंटी नार्कोटिक्स सेल ने जब्त की ड्रग्स की बड़ी खेप। बाजार में 1,60,00,000 की कीमत। बांदा में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी। पुलिस पर मामले की अनदेखी का आरोप। बरेली में थाने के अंदर देसी बम फटने से 2 पुलिसकर्मी घायल। एक कॉलेज से 6 बम बरामद होने के बाद उसे पानी में डुबोकर थाने में रखा गया था। फिरोजाबाद में एक महिला ने अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में बच्चे को दिया जन्म। जिला महिला अस्पताल ने खून की कमी बताकर भर्ती करने से किया था मना। झांसी में राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लूट की बाइक और सोने की 2 चेन के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। आज तक की खबर का असर। बांदा में सरकारी स्कूल में बच्चों से किताबें और बैग वापस छीने जाने की घटना की होगी जांच। लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल। बाराबंकी में रेलवे स्टेशन से नाबालिग को अगवा कर 2 युवकों ने किया गैंगरेप। पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती। बहराइच जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। जालौन में महिला से गैंगरेप और लूटपाट में 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड से हुई गिरफ्तारी। बहराइच में एक मंदिर के पुजारी की सनसनीखेज हत्या। हत्यारे का नहीं मिला कोई सुराग। बेतिया में घरेलू झगड़े में शराबी पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। बेगूसराय में लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर बोला धावा। मुंशी की हत्या कर 1,50,000 कैश लूट कर फरार हो गए। आरा में तेज आंधी में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। 4 बुरी तरह जख्मी। वैशाली में छेड़खानी से परेशान होकर लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं। दरभंगा में सांसद कीर्ति आजाद का साला अजय चौधरी नशे की हालत में गिरफ्तार। घर से शराब की महंगी बोतल भी बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में पड़ोसी की हैवानियत की शिकार बनी 7 साल की बच्ची। गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मासूम बच्ची की प्राइवेट पार्ट से मिले रूई सिक्के माचिस की तिल्ली और पत्थर के 5 टुकड़े। आरोपी दरिंदा गिरफ्तार। बरनाला में एक सिपाही की अपने घर में संदिग्ध मौत। पुलिस को खुदकुशी का शक। फरीदाबाद में 3 दोस्तों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतारा। 2 आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद में एक स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। क्लर्क पर छात्राओं को डंडे से पीटने का आरोप। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के पास एसयूवी लूट ले गए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के प्रशांत विहार में एक युवक से हिरासत में मारपीट पर बवाल। नाराज लोगों ने थाने पर किया हंगामा। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। आरोपी महिला गिरफ्तार, प्रेमी फरार। दिल्ली के गड़कड़डूमा इलाके में एक कैब ड्राइवर का गाड़ी के अंदर शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के रणहौला इलाके में एक शोरूम से 7,00,000 के मोबाइल ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंबई में शीना बोरा मर्डर की जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या। घर में खून से लथपथ मिली लाश। वारदात के बाद से इंस्पेक्टर का बेटा लापता। घर में मिला नोट। बेटे ने लिखा, मैंने किया है मां का कत्ल और मैं थक गया। बुलढाणा में देसी शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। ठेके में घुसकर की तोड़फोड़। गढ़चिरौली में नक्सलियों को फिरौती देने जा रहे 3 ठेकेदार गिरफ्तार। 75,00,000 कैश बरामद। औरंगाबाद में नशा मुक्ति पर नाटक का मंचन। नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश। ग्वालियर में भूमि विवाद में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। बेटे पर लगा आरोप। इंदौर में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। मैनेजर गिरफ्तार, मालिक भागने में रहा कामयाब। जबलपुर में रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा। नर्मदा से रेत निकालते 4 नाव जब्त। उज्जैन में 1,00,000 लोगों के एक साथ शाकाहारी होने का संकल्प लेकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश के कोने कोने से जुटे लोग। आगर मालवा के देवली गांव में पानी ने बढ़ाई युवकों की परेशानी। गांव में पानी नहीं होने से सैकड़ों घरों में कोई नई दुल्हन नहीं आई। कानपुर में जंगली देवी मंदिर में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर।
देवरिया में 7 साल के मासूम की हत्या पर बवाल, घटना से नाराज लोगों का थाने में हंगामा। कानपुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, स्थानीय लोगों का आरोप, बिना नोटिस हुई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 पशु तस्कर, आरोपियों के पास से 17 भैंस बरामद। झारखंड के गढ़वा में दलित परिवार पर दबंगों का कहर, जेसीबी मशीन लगाकर घर को गिराया। धौलपुर में नोरहा के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, 3 किलोमीटर के इलाके में लगी थी आग। राजस्थान में आरक्षण को लेकर फिर लामबंद हुए जाट, मांगे पूरी नहीं होने पर 15 दिन बाद आंदोलन की धमकी। संजय नारायण मर्डर केस में जयपुर पुलिस को कामयाबी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में 5 मई को एक युवक की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 2 आरोपियों पर पहले भी हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज। झारखंड के गिरिडीह में ट्रक और वैन की भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली के आजादपुर में डीटीसी की लो फ्लोर बस ने ई रिक्शा और ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। ओडिशा के रायगढ़ में नदी में डुबकी लगाते समय 4 श्रद्धालुओं की मौत, सभी आंध्र प्रदेश के रहने वाले। उत्तराखंड के गोपेश्वर में नशे में धुत कार ड्राइवर ने सड़क पर खड़ी कार को मारी टक्कर, कई लोग जख्मी। उधम सिंह नगर में मामूली विवाद पर 6 लोगों ने मिलकर एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई की, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 2008 अहमदाबाद धमाकों का वांटेड साहेब पोटेनकल गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने केरल से दबोचा। पुडुचेरी में शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, ठेके में आग लगाने के बाद हाईवे जाम किया। हैदराबाद में परेड ग्राउंड में सचिवालय बनाने का विरोध जारी, काले गुब्बारे उड़ाकर जताया विरोध। आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली में 2 आदिवासी लड़कियों से गैंगरेप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोयंबटूर में एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट, घटना के विरोध में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ के चंगुल से आजाद कराया। मुंबई में सचिन पर बनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का वर्ल्ड प्रीमियर, विराट के साथ टीम इंडिया के सभी सितारे भी पहुंचे। 26 मई को पूरे देश में रिलीज हो रही है फिल्म सचिन पर बनी फिल्म को देखने के लिए लोग अभी से बेचैन। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बयान, हम जीत के लिए भूखे। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बोले विराट, लोगों के लिए अलग माहौल लेकिन हमारे लिए ये एक मैच से ज्यादा कुछ नहीं। विराट ने धोनी और युवराज को बताया टीम का मजबूत स्तंभ, कहा दोनों अच्छी तरह जानते हैं उन्हें अपने अनुभवों का इस्तेमाल कैसे करना है।